नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई के थाना पाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। स्वाट टीम के साथ पाली पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें दर्जनों अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से इस अवैध शस्त्र फैक्ट्री के संचालक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पहरे में खड़े ये तीन शख्स दरअसल पाली थाना क्षेत्र में अवैध असलाह फैक्ट्री चलाते थे, जिसकी काफी दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी। पुलिस को ये सूचना भी मिल रही थी कि ये शस्त्र बाहर ले जाकर अच्छी कीमत पर बेचे जाते हैं, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशानुसार सर्विलांस टीम के अलावा कई टीम गठित की गई थी, जो अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ने के प्रयास में लगी थी। एसपी ने बताया कि इसी बीच प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पे सवार तीन व्यक्ति संजय शुक्ल, राजकुमार, वीरेंद्र शुक्ल कहीं शस्त्र लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर सभी को पकड़ा गया, जिनके पास से एक एक तमंचा और एक कारतूस पकड़े गए। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में संजय शुक्ल के घर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई, जो अपने घर के अंदर से चलाता था। उसने तीनों को गिरफ्तार कर अवैध असलहे बरामद कर जेल भेजा है, तथा पूछताछ में ये भी पता कर रही है कि उन लोगों द्वारा किन किन आपराधिक गिरोह को ये असलहे सप्लाई किए जाते थे। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री से एक पिस्टल, एक रिवाल्वर, 5 अर्धनिर्मित बने तमंचे, एक नली बंदूक, 12 तमंचे, एक भट्टी, एक बुलेट कैप, 32 बोर के दो कारतूस, 315 बोर के तीन मिस व 4 जिंदा कारतूस, फैक्ट्री के कलपुर्जे, एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभी ये पता लगाया जा रहा है इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ थी। थाना पाली क्षेत्र में आज एक बहुत बड़ी शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें हमारी सर्विलांस टीम भी पहले से लगी थी, उनके पास सूचना थी मुखबिर की। उस सूचना पे कल जब घेर करके एक मोटरसाइकिल पे, बुलेट मोटरसाइकिल पे इन लोगों को पकड़ा गया, तो उन्होंने अपने नाम संजय शुक्ला, राजकुमार और वीरेंद्र शुक्ला बताया। और पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि संजय शुक्ला के घर में अंदर तहखाने में भट्टी चल रही है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध कारतूस और अवैध असले पकड़े जा सकते हैं, जो वहाँ बनाए गए हैं। इस सूचना पर जब टीम ने वहाँ धावा बोला, तो वहाँ पे फैक्ट्री के बहुत सारे उपकरण और तकरीबन 20 बने अर्बने वेपन बरामद हुए, जिसमें से 5 तो अर्बने हैं, बाकी सब बने हुए असले हैं, जिसमें एक कंट्री मेड पिस्टल, एक कंट्री मेड रिवॉल्वर, एक 12 बोर की बंदूक और तमंचे 315 बोर की शामिल हैं। कुछ कारतूस भी मिले हैं। उल्लेखनीय ये है कि तीनों दत्तों का बहुत लंबा चौड़ा अपराधिक इतिहास है। तीनों के खिलाफ 8-8, 10-10 मुकदमे हैं, और जो इसका मुख्य अभियुक्त है संजय शुक्ला, उसके दो साथी भी भागे हुए हैं जो बनाने में उसकी मदद करते थे। संजय शुक्ला के विरुद्ध 2009 में डकैती का भी मुकदमा है और अन्य भी कई मुकदमे हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने असलों को कहाँ कहाँ सप्लाई किया है, किसको किसको दिया है, और उन लोगों को भी धरपकड़ अभी की जा रही है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।